नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं रंजन कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल कोचिंग विद रंजन कुमार पर। और आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का जो है इससे पहले हमने दो क्लास और पढ़ाया हुआ है, तो ये थर्ड वीडियो है हमारा मौलिक अधिकार के ऊपर में। और इसमें आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं आर्टिकल 19 से 24 तक के बीच में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं इसमें क्या क्या अधिकार हमारे को भारतीय संविधान के द्वारा दिया गया है उसको समझने वाले हैं। और उससे पहले कि हमने जो लास्ट क्लास सेकंड जो वीडियो बनाया था मौलिक अधिकार के ऊपर में, उसमें कुछ बच्चों का कमेंट्स था कि आर्टिकल 15 को दोबारा से समझाया जाए, जो है समझ में नहीं आया उन बच्चों को, उनके लिए जो है मैं दोबारा से बता रहा हूँ आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आर्टिकल अनुच्छेद 15 जो है, आर्टिकल 15 जो है उसमें कहा गया है किसी भी व्यक्ति के साथ में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, मूल वंश के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार से किसी के साथ में भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इन धर्म हो, जाति हो, लिंग हो, मूल वंश हो या जन्म स्थान हो, इसके आधार पर किसी के साथ में भी कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, ये हमारा अनुच्छेद 15 कहता है। और साथ में यहाँ पर ये कहा गया है जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं, सार्वजनिक स्थान का मतलब है वे स्थान जहाँ पर सभी लोग आ जा सकते हैं, तो ऐसे स्थानों पर हर एक व्यक्ति की पहुँच होना चाहिए, वहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। जिन स्थानों पर सार्वजनिक स्थान जो है जहाँ पर सभी लोग जा सकते हैं, तो उन स्थानों पर किसी के साथ में भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये अनुच्छेद हमारा 15 कहता है। अब हम लोग जो है शुरू करते हैं मौलिक अधिकार का दूसरा अधिकार। पहला अधिकार हम लोग समझ चुके हैं 18, अनुच्छेद 18 तक जो है इससे लास्ट वीडियो में हमने समझा हुआ है कि 18 तक क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया है, क्या क्या अधिकार हमारे को दिए गए हैं। आज हम लोग जो है अनुच्छेद 19 अधिकार दूसरा, मौलिक अधिकार नंबर दो, जिसे हम स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब है कि भारत में सभी नागरिक स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र रूप से अपने जीवन को जी सकते हैं, स्वतंत्र रूप से जो है हर एक कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, पर शर्त ये है कि वो कार्य जो है गैर कानूनी ना हो, हमारे देश के खिलाफ ना हो। तो इस प्रकार से हम समझते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 क्या कहता है उसको समझते हैं। सबसे पहले यहां पर है अनुच्छेद 19 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई है, मतलब हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है अपने कार्य को करने के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए, हर एक प्रकार की स्वतंत्रता, मतलब व्यक्तिगत पर्सनली जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता जो है वो दिया गया है हर एक व्यक्ति को भारतीय संविधान के द्वारा। इसमें किस प्रकार की स्वतंत्रता, क्या क्या स्वतंत्रता है वो यहाँ पर दिया है। नंबर एक, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी भी कह सकते हो स्वतंत्रता को। भाषण देने का मतलब है, भाषण की स्वतंत्रता का मतलब है कि अपने विचारों को प्रकट करने का, दूसरों तक कहने का, अपने विचार, अपने सवाल जवाब दूसरों तक कहने का, दूसरों से पूछने का, प्रकट करने का, अभिव्यक्त करने का, ये आज़ादी हमारे को भारतीय संविधान के द्वारा दिया गया है, मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया है। नंबर यहाँ पर आगे दो पर है शांतिपूर्ण ढंग से जो है जमा होने एवं सभा करने की स्वतंत्रता, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी हथियार लिए या बिना किसी शोर शराबा किए जो है हम शांतिपूर्ण तरीके से जमा हो सकते हैं, एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं और सभा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के अधिकार भी हमारे को भारतीय संविधान के द्वारा दिया गया है। और आगे है संगठित होने की स्वतंत्रता, संगठित का मतलब है इकट्ठा होना, एक जगह ग्रुप के रूप में हम इकट्ठा हो सकते हैं, संगठित हो सकते हैं, और वो संगठित होने का अलग अलग कारण हो सकता है, जैसे कि देख सकते हो वर्तमान में जो है ऐसे बहुत सारे जो है धरना प्रदर्शन होते हैं, ऐसे बहुत सारे शांतिपूर्ण तरीके से जो है सरकार का विरोध भी किया जाता है। तो इस प्रकार के अधिकार जो है हमारे को मौलिक अधिकार के माध्यम से मिला हुआ है, भारतीय संविधान में दिया गया है हमारे को ऐसे अधिकार कि हम संगठन बना सकते हैं, सभा कर सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकाल सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से किसी भी कार्यक्रम को जो है कर सकते हैं। तो इस प्रकार के अधिकार हमारे को मौलिक अधिकार के द्वारा दिया जाता है। और आगे इसमें हमने लिखा है
भारत के किसी भी हिस्से में बसने एवं रहने की स्वतंत्रता, मतलब भारत के किसी भी हिस्से में, जो हमारा पूरा भारत जो है जिसके अंदर में वर्तमान समय में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें आज के समय पर हम किसी भी हिस्से में रहने के लिए जा सकते हैं, रह सकते हैं, वहाँ पे बस सकते हैं, वहाँ पर हम अपनी जमीन लेकर जो अपना घर बनाकर रह सकते हैं। तो इस तरीके का अधिकार भी हमारे को भारतीय संविधान के माध्यम से मिला हुआ है। और यहाँ पर एक चीज़ ये समझना होगा, जम्मू कश्मीर के अंदर में वर्तमान समय में स्थिति ये है कि हम वहाँ पे रह सकते हैं, बस सकते हैं, परंतु पहले के समय में आर्टिकल जब 370 धारा 370 जब था, तब हम वहाँ पे घूमने के लिए जा सकते थे पर वहाँ पे रह नहीं सकते थे। परंतु अब जो है, जब से धारा 370 खत्म हुआ, तब से हम वहाँ पे बस भी सकते हैं। तो ये भी अधिकार हमारे को जो है मौलिक अधिकार के द्वारा दिया गया है। अब यहाँ पर आगे है, कोई भी रोजगार चुनने और व्यापार करने की स्वतंत्रता, मतलब हम अपने मौलिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए अपनी इच्छा अनुसार से किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार जो भी हमारे को रोजगार चुनने का मन हो वो हम चुनकर उसे कर सकते हैं। यहाँ पर अपने इच्छा अनुसार का मतलब ये है कि वो काम हमारा गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। गैर कानूनी का मतलब है कानून की नज़र में गलत नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जो है हथियारों की सप्लाई करना शुरू कर दे, हम जो है चरस, गांजा, अफीम जो नशीले पदार्थ होते हैं उनका व्यापार करना शुरू कर दे, या हम किसी को मारने पीटने का काम शुरू कर दे। तो इस प्रकार के कामों पर रोक लगाया जा सकता है जो गैर कानूनी हो। जैसे हमारे कार्य से अगर कोई दूसरा प्रभावित होता है तो ऐसे कार्यों पर रोक लगाया जा सकता है, सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, कानून व्यवस्था के द्वारा रोक लगाया जा सकता है। परंतु ऐसे काम जो कानूनी तौर पे सही हो, उस काम को करने के लिए हमको पूरा पूरा जो है स्वतंत्रता दिया गया है। हम अपनी इच्छा अनुसार जो उस काम को कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में ये अनुच्छेद 19 में ये प्रावधान किए गए हैं, इस प्रकार की हमारी स्वतंत्रता दी गई है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 20 में। 20 में क्या कहा गया है? 20 में कहा गया, अनुच्छेद 20 में, अपराधों के लिए दोषसिद्ध के संबंध में संरक्षण। यानी कोई अपराध करता है, अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई अपराध करता है, अगर वो दोष सिद्ध हो जाता है तो उसके लिए भी संरक्षण, उसके लिए भी उसको सुरक्षा दिया जाता है, उसको प्रताड़ित नहीं किया जाता, उसको मारा पीटा नहीं जाता है, जब तक न्यायालय उसको इस तरीके का कोई रिमांड पे रखने का या इस तरीके का कोई प्रावधान ना करे, या ऐसा कोई आदेश ना दे पुलिस को, तब तक जो है उसको इस तरीके के प्रताड़ित नहीं किया जाता है, वहां पर उसको संरक्षण करने का भी काम किया जाता है। साथ में दोष सिद्ध यदि कोई व्यक्ति हो जाता है, अपने बचाव में अपनी बात को रखने का भी जो है उसको अधिकार दिया जाता है, उसको स्वतंत्रता दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर अनुच्छेद 20 में ये कहा गया, यदि कोई अपराधी है तो उसको भी अपने संरक्षण करने के, बचाव करने के लिए पूरा पूरा हक अधिकार होगा। अब यहाँ पर अनुच्छेद 20 में क्या बात कहा गया है? यहाँ पर मुख्य रूप से दो बातें कहा गया है। दो बातों में क्या है? जीवन की रक्षा, जीवन की, पहला जो है इसमें कहता है जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। यानी जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 21 के क्या में, या ए में कह सकते हो। अब जीवन जीने की स्वतंत्रता का मतलब यहाँ पर क्या है? जीवन की रक्षा का मतलब क्या है? यहाँ पर जीवन की रक्षा का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा ये है कि यदि एक व्यक्ति अपने जीवन को जीना चाहता है तो उसको वो पूरा वातावरण मिले जिसमें वो सही तरीके से अपना जीवन जी सके। जैसे कि यहाँ पर समझ सकते हो, जैसे एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? सबसे मेन जरूरी चीज क्या है? उसका वातावरण, स्वच्छ वातावरण चाहिए, स्वच्छ उसको ऑक्सीजन चाहिए, स्वच्छ पीने योग्य पानी चाहिए, और साथ में जो है उसको भोजन चाहिए, और अच्छा जीवन जीने के लिए और क्या चाहिए? तो उसको एजुकेशन चाहिए, शिक्षा चाहिए। तो यहाँ पर जो है अनुच्छेद 21 में यही प्रावधान किया गया है कि जीवन जीने के साथ साथ उसके जीवन की रक्षा किया जाए, उसके जीवन की सुरक्षा किया जाए। हमारे संविधान के माध्यम से, मौलिक अधिकार के माध्यम से हर एक व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारे देश के प्रशासन की जिम्मेवारी है, उसको सुरक्षा प्रदान करे, उसके जीवन को किसी भी प्रकार का कोई खतरा ना हो,
देहिक जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। देहिक स्वतंत्रता का मतलब है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी भी प्रकार से हानि ना पहुंचाए, और यहाँ तक कि वह स्वयं को भी, यदि कोई व्यक्ति अपने आप को भी हानि पहुंचाने का प्रयास करता तो उसको भी जो है सजा देने का प्रावधान किया गया है। ऐसा संविधान दुनिया के किसी भी देशों में शायद मुश्किल से देखने को मिलता हो। ऐसे संविधान के अंदर में ऐसे मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया, हमारे मौलिक अधिकार हमारे संविधान में। तो ये चीज़ यहाँ पर हम समझ सकते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, किसी दूसरे को पहुंचाएगा तो वहाँ पे तो उसको सजा मिलेगा ही, जो उसने किया है उसके आधार पे उसको सजा मिलेगा। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आप को आत्महत्या करने का प्रयास करता है, यदि वो बच जाता है तो उस पर भी कार्रवाई किया जाता है कि भाई उसने ऐसा क्यों किया। तो ऐसे प्रावधान हमारे संविधान में, हमारे मौलिक अधिकार में किया गया है। और साथ में यहाँ पर जो है हर एक व्यक्ति की जीवन की रक्षा हमारी सरकार की जिम्मेवारी, हमारे प्रशासन की जिम्मेवारी है। और स्वयं यहाँ पर हमने फर्स्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि मौलिक अधिकार की रक्षा जो है स्वयं सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर जो है शिक्षा का अधिकार, जैसे कि हमने पहले ही बता दिया, अच्छे जीवन जीने के लिए राइट टू लिबर्टी हम पढ़ते हैं, जीवन अच्छी तरीके से जीने के लिए क्या क्या चाहिए। तो एजुकेशन सबसे मेन जो है, यहाँ पर हमने पढ़ा, हमने समझा अभी क्या क्या, एक अच्छा वातावरण चाहिए जिसके अंदर में स्वच्छ वातावरण हो, स्वच्छ ऑक्सीजन मिले, उसको जल मिले, राइट टू वाटर, राइट टू फूड, ये अधिकार सब इसी के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, जो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। और इस पे भी मैं जो है बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ। राइट टू एजुकेशन क्या है, राइट टू फूड क्या है, राइट टू वाटर, स्वच्छ पानी भी मिलना एक बहुत जरूरी है जीवन जीने के लिए, पीने योग्य पानी मिलना, उसके बाद जो है भोजन मिलना, उसके बाद शिक्षा मिलना, एक अच्छा एजुकेशन मिलेगा तभी एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का, अपने जीवन में अच्छा विकास कर सकता, आगे बढ़ सकता है। तो ये चीज़ हमारे को जो है यहाँ पर बताया गया। और अनुच्छेद 22 में क्या कहा गया है, अभियुक्तों और सजा पाए लोगों का अधिकार। मतलब यहाँ पर ये है कि यदि कोई व्यक्ति किसी को सजा मिला है तो उसको भी अपना अधिकार है, अपने सजा के समय पर सही तरीके से अपनी बातों को रखना, अदालत में अपने पक्ष में जो है बात रखवाने के लिए वकील वगैरह उपलब्ध कराना, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर ऐसे अधिकार है कि अगर कोई अभियुक्त है, अगर कोई व्यक्ति है जिसके ऊपर मैं मान लो किसी भी प्रकार का कोई भी जो है धारा लगकर उसको मुजरिम करार किया गया है, या किसी भी प्रकार से मान लो अदालत में वो पहुंचा है, तो वहां पर उसको अपने बचाव के लिए भी सजा अगर हुआ है तो उसको सजा के लिए भी जो है अपील कर सकता है। जैसे यहां पर आप ये भी समझ सकते हो, कोई मुजरिम भारत के अंदर में अपनी सजा को कम कराने के लिए राष्ट्रपति को भी पत्र लिख सकता है, दया याचिका जो है कहते हैं उसको, वो मांग सकता है, उसकी अपील कर सकता है। तो इस तरीके का जो है अधिकार, यानी उनके लिए भी अधिकार है, सुनिश्चित किया गया है। तो ये हमारे अनुच्छेद 22 में इस प्रकार के अधिकार है। और उसके बाद तीसरा मौलिक अधिकार हमारे पास में है शोषण के खिलाफ अधिकार। शोषण का मतलब है किसी भी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा शोषण नहीं किया जा सकता है, उसको जो है प्रताड़ित नहीं किया जा सकता, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से, शरीर से भी और मन मस्तिष्क से भी उसको प्रताड़ित नहीं करना, उसको यातना नहीं देना, इस प्रकार के रोक लगाने के लिए जो है प्रावधान 23 और 24 में किया गया। अनुच्छेद 23 और 24 में इस तरीके के जो अन्याय है उसको रोकने के लिए जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में जो है ये प्रावधान किया गया मौलिक अधिकार में। अब यहाँ पर जो है इसको समझते हैं, 23 में क्या है, मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक। मानव के दुर्व्यापार का मतलब है किसी भी व्यक्ति को खरीदने बेचने का काम जो है नहीं किया जा सकता, उस पर रोक है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा इतिहास में, प्राचीन समय में जो है व्यक्तियों को बेचने का, दास प्रथा जिसे कहते थे, खरीदने बेचने का काम चलता था, तो उस पे भी रोक लगाने के लिए जो है हमारे भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया मौलिक अधिकार के अंतर्गत। अनुच्छेद 23 के अंदर में ये बात कहा गया है, किसी भी व्यक्ति का या मानव
का जो है खरीदने बेचने का काम नहीं किया जा सकता उसको, और बंधुआ मजदूरी नहीं कराया जा सकता उससे जो है, किसी भी व्यक्ति से बंधुआ मजदूरी नहीं कराया जा सकता, ये भी हमारे अनुच्छेद 23 में कहा गया है। उसके बाद यहाँ पर है अनुच्छेद 24, 24 में क्या कहा गया है, जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक। यानी यहाँ पर हमको ये समझना है अनुच्छेद 24 में जितने भी जोखिम भरे कार्य हैं, जोखिम भरे का मतलब है जैसे बड़े बड़े मिलों में जहाँ पे जो है छोटे बच्चों को काम पे लगाना अपराध है, बच्चों को काम पे रखना अपराध है, दंडनीय अपराध बनाया गया है। हमारे भारत में जो है 14 वर्ष से नीचे के बच्चे को, 14 वर्ष के उम्र के नीचे के बच्चे को, 14 या उससे नीचे जितने भी बच्चे हैं उनको काम पे रखना एक तरीके से दंडनीय अपराध बनाया गया है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि अनुच्छेद 24 के माध्यम से ऐसे बच्चे जिनकी उम्र कम है, 14 वर्ष या इससे कम है, तो उनको काम पे रखना जहाँ पे जोखिम भरा काम होता है वहाँ पे रखना जो है वो रोक लगाया गया, वो गलत है। तो इस तरीके का प्रावधान अनुच्छेद 24 में किया गया। परंतु यहाँ पर बच्चों समझ सकते हो कि व्यवहारिक तौर पर जो है अपने भारत में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ये संवैधानिक तौर पर तो ये सारी बातें जो है हम जो समझ रहे हैं वो हमारे संविधान के माध्यम से संवैधानिक तौर पर जो इसको लागू किया गया है। भारत में बहुत सारे जगहों पर इन सारी चीज़ों को जो है लागू भी है, हमारे जीवन में भी लागू है। परंतु हम देख सकते हैं ये खासकर अनुच्छेद 24 का हम देख सकते हैं कि एक अपवाद के तौर पर जो है इसको देखा जा सकता है। बहुत सारे दुकानों पे, ढाबों पे जो है देखने को मिल जाएगा, चाय की दुकानों पे 14 या इससे कम उम्र के बच्चे जो है काम करते हुए दिखेंगे आपको। तो ये एक तरीके से कह सकते हो ये हमारे समाज की जो है परिस्थिति, हमारे समाज की जो है ऐसे गरीबी के कारण जो है ऐसा देखने को मिलता है। अब समझ सकते हो कि ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिसके अंदर में कमाने वाले पिताजी नहीं है, एक बड़ा लड़का जिसका उम्र मान लो 10, 11, 12 साल है, 13 साल है, वो लड़का जो है अपने रोजी रोटी को चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए उसको काम करना पड़ता है। तो इस तरीके के अपवाद ही देखने को मिलते हैं। परंतु हमारे संविधान के माध्यम से ये प्रावधान किया गया है मौलिक अधिकार में कि जोखिम भरे जो काम है, जोखिम वाले जितने भी काम है वहाँ पर जो है कम उम्र के बच्चे को, 14 या इससे कम उम्र के बच्चे को रखना दंडनीय अपराध बनाया गया है। अब इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो जब लेकर आएंगे तो उसमें जो है 25 से अनुच्छेद 25 से लेकर आगे तक के जितने भी मौलिक अधिकार हैं उस पर चर्चा करेंगे। और आप इसको समझिए, अगर आपको इसमें से किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत है, समझने में प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं दोबारा से उस पर कोशिश करूँगा, दोबारा से अगले क्लास में जो उसको समझाने का प्रयास करूँ। और तब तक के लिए अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको देखिए, समझिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।